ये खास खबर उन लोगों के लिए है जिनके राशन कार्ड कट चुके थे और परिवार पहचान पत्र में भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान उन लोगों के लिए आ चुका है। नमस्कार, मैं सोनम वॉट्स न्यूज़ पर ये सबसे पहले आपको खबर देने आई हूँ, जहाँ पर घर बैठे ही आप अपनी तमाम समस्याओं को, जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, उन समस्याओं को जिनसे कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान है। खासकर उन लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा परेशानी है जो कि बुज़ुर्ग हैं, जो कि बहुत ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसा नंबर आप लोगों को बताने जा रही हैं, एक ऐसी खबर आप तक पहुंचाने जा रही हैं, जहां पर आप लोग सिर्फ एक कॉल से अपनी तमाम समस्याएं, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो अपनी समस्या को आप दर्ज करा सकते हैं एक टोल फ्री नंबर पर। जी हाँ, भारत सरकार और हरियाणा सरकार आप लोगों के लिए हमेशा ही बहुत बड़े बड़े अपडेट्स जो है लेकर आती है, लेकिन आप तक नहीं पहुंचाए जाते हैं। लेकिन आज हम लोग अपने चैनल के माध्यम से, वॉट्स न्यूज़ के माध्यम से जो है आप लोगों तक एक ऐसी बात जो है शेयर करने वाले हैं, एक ऐसा नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर भी देने वाले हैं, आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी परिवार पहचान पत्र से या फिर राशन कार्ड से संबंधित दिक्कत थी वो खत्म होने वाली है। जी हाँ, एक ऐसा नंबर जो है टोल फ्री नंबर है जो कि हरियाणा सरकार ने आप लोगों के लिए लागू कर दिया है। आपको आपको बताना चाहेंगे कि वर्क करेगा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आप लोगों के लिए वर्क करेगा, आप लोगों की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। तो वो खास नंबर और खास खबर के साथ वॉट्स न्यूज़ आप लोगों को नंबर बताने जा रहे हैं और स्क्रीन पर भी आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। मेरे अनुसरण के साथ वॉट्स न्यूज़ की एक्सक्लूसिव खबर को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कर दें। तो नंबर है 1800 180 2087 या फिर आप कर सकते हैं कॉल 1967 पर। जी हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि दो नंबर है फिलहाल। जो पहला नंबर है वो ये है कि 1800 180 2087 और दूसरा नंबर है 1967। जी हाँ, टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो है वो आप लोगों को नहीं होने वाली है। जिस तरीके से कि आप लोगों ने देखा कि राशन कार्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी और उनके प्रावधान के लिए ये नंबर जो है खासकर लेकर आया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है परेशान हो चुके थे, लोग जो हैं कार्यालयों के चक्कर काट काट कर जो है महज पागल होने की अवस्था तक आ चुके थे। कई लोगों को जो है काफ़ी परेशानी इसलिए हुई क्योंकि उनके घर में जो है कमाने वाला कोई नहीं है और भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की राशन वित्त योजना के तहत जो है वो लोग अपने घर का पेट भर रहे थे और राशन कार्ड से ही वो तमाम चीज़ें जो है मिलने वाली थी सभी लोगों को। लेकिन ऐसा हुआ कि फैमिली आईडी में बहुत सारे इशू हुए। आपको खासकर बताना चाहेंगे कि फैमिली आईडी में जो है इनकम लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई थी कि उनकी इनकम जो है वो ज़्यादा हो गई थी या फिर इंक्लूड कर दी गई थी दो तीन परिवार वालों की, जिसके तहत जो है सारे के सारे कार्ड, जैसे कि राशन कार्ड हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आजकल, ये तमाम चीज़ें जो है कटनी स्टार्ट हो गई और कॉलेज तक में एडमिशन कई बच्चों के नहीं हुए। और इसी तरह की समस्याओं को लेकर जो है हरियाणा सरकार तक ये बात जो है जैसे ही पहुंची, वैसे ही ये टोल फ्री नंबर जो है आप लोगों के अंडर जो है तमाम समस्याओं को जो है समाधान करने के लिए जो है ज़रूर पहुंचा, क्योंकि इस नंबर से जो है आप लोग बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है इस नंबर पर करनी है कॉल, और कॉल करते ही आपको जिस भी तरह की दिक्कत है, यानी कि अगर आपको राशन कार्ड से संबंधित दिक्कत है तो आप लोग राशन कार्ड से संबंधित दिक्कत को वहां पर दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको फैमिली आईडी से प्रॉब्लम है, यानी कि फैमिली आईडी में आपका किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस हुआ है, तो उस प्रकार के लॉस से जो है आप लोग उसी तरह की चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करवा सकते हैं, वहां पर दर्ज करा सकते हैं। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए, इस टोल फ्री नंबर पर जो है आप कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को जो है समाधान करा सकते हैं। और दूसरी बात आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो हरियाणा सरकार के द्वारा एक नंबर जो है पर्टिकुलर नंबर है, इमरजेंसी नंबर जिनको बोलते हैं, हर प्रकार के नंबर जो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जैसे डायल 112 है और बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए हैं, सुरक्षा के लिए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता होती है, पहुंचाई नहीं जाती है। लेकिन वॉट्स न्यूज़ जो है आप लोगों को एक टोल फ्री नंबर जो है आपको पहुँचाया है, आप लोगों तक पहुँचाया है, इसीलिए पहुँचाया है जिन लोगों को फैमिली आईडी से और राशन कार्ड से संबंधित कोई भी समस्या हुई थी। पहला स्टेप यही है कि इस नंबर पर कॉल कर कर आप दर्ज करा सकते हैं अपनी समस्या को, और साथ ही साथ जो है आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आप लोगों की समस्या को दर्ज करते ही जो है
काम होगा, इस चीज़ पर जो है काम होगा। और तमाम जितनी भी अपडेशन है वो आपको वोट्स न्यूज़ पर मेरे यानी सोनम के साथ कैमरामैन प्रवीण के साथ ही मिलने वाले हैं। तो इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए, इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर दीजिए। और ये खास खबर है उन लोगों के लिए जिनके राशन कार्ड कट चुके हैं, फैमिली आईडी में बहुत सारी इंक्रीशंस हैं और बहुत सारी समस्याएँ हैं, तो वो लोग अपनी सभी तमाम समस्याओं को जो है सॉल्व करा सकते हैं इस टोल फ्री नंबर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को जो है शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुँच पाए ये खबर और पता चल सके कि फैमिली आईडी और राशन कार्ड दोबारा से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा से आपकी सारी की सारी करेक्शन जो है करके हरियाणा सरकार ही देगी और आप लोगों तक हर एक लाभ जो है पहुंचाने वाली। तो अभी आपने सुना किस तरह से आप राशन कार्ड से संबंधित और फैमिली आईडी से संबंधित तमाम जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करा सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वोट्स न्यूज़ पे मेरे अनुसरण के साथ कैमरामैन प्रवीण के साथ। इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सहयोग कीजिए। धन्यवाद।